तो देखो आज हम लोग का थ्योरी ऑफ कोर्स का लास्ट क्लास होने वाला है, जहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाला है, हम लोग लॉन्ग रन कोर्स के बारे में पढ़ने वाला है। प्रीवियसली क्लासेस में हम लोग कौन सा कोर्स के बारे में पढ़ा था, शॉर्ट रन। कौन सा कर्व के बारे में, शॉर्ट रन कोर्स के बारे में पढ़ा था, शॉर्ट रन कोर्स के बारे में पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक होगा कौन से कोर्स के बारे में होने वाला है, लॉन्ग रन कोर्स। कौन सा कोर्स, लॉन्ग रन कोर्स। अब समझना कि लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या। ओए दीदी बात मत कीजिए, ए इधर मैं देख, हाँ पहले दाया देरी से फिर बात भी करता है, वाह। हाँ लॉन्ग रन, देखो शॉर्ट रन कोर्स में क्या होता था कि एक फैक्टर क्या था, वेरिएबल था, बाकी सब फैक्टर क्या होता था, फिक्स। क्योंकि शॉर्ट रन में इतना टाइम होता नहीं था कि हम सभी फैक्टर को चेंज कर पाए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन कोर्स में क्या होता है पता है, इसमें कोई फैक्टर फिक्स नहीं है, सब फैक्टर वेरिएबल है, सब चेंज हो जाएगा। अब जब प्रोडक्शन का ड्यूरेशन 5 साल 10 साल होगा तो मशीन खराब होगा तो मशीन को चेंज कर देगा, जब मशीन से उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था दूसरा मशीन लेके आ जाएगा। तो मतलब इसमें सब कुछ चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट रन कोर्स में ऐसा होता नहीं था। यह बात समझ में है आप लोगों को कि लॉन्ग रन कोर्स क्या एंड शॉर्ट क्या है तुम्हारा, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना, पक्का ना। हाँ तो क्या तुम्हारा कि लॉन्ग रन कोर्स में हम लोग कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सभी फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। यह बात दिमाग में क्लिक हुआ, चलो आप समझता हम लोग। इन द लॉन्ग रन कोर्स ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल्स, ठीक है। देयर आर नो फिक्स कोस्ट, यानी कोई फिक्स कोस्ट नहीं होता, सबको हम लोग चेंज कर देगा, ठीक है। देयर इज इनफ टाइम फॉर बिजनेसमैन टू मेक ऑल द एडजस्टमेंट दैट दे विश टू मेक। इसमें मतलब एज ए बिजनेसमैन उसको अगर जो भी चीज चेंज करना है जिससे कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए, वह सब कुछ काम इसमें करेगा। समझ में आया बात, ठीक है। उसका वैसे बोला है बट इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन बिल्ड अ न्यू प्लांट मोर सुटेबल टू द लार्जर आउटपुट लेवल। मतलब लॉन्ग रन में क्या होगा, हम लोग बड़ा प्लांट बना सकता है, बेटर प्लांट बना सकता है जो ज्यादा आउटपुट दे। समझ में आया बात, ठीक। अब देखो इन लॉन्ग रन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एक बोलेगा हम लोग लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। हम लोग इस चैप्टर मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो चीज में बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत जिंदगी में, ऐसा जिंदगी में तो बहुत दिक्कत है, जिंदगी में तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। उसका बाद से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या इसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप कर्व, क्या बोलते हैं हम लोग एनवेलप कर्व, क्या बोलता है एनवेलप कर्व, ठीक है। इट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन द एंटरप्रेन्योर हैज टू वेरी ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सो ऑन दैट हैज मोस्ट प्रॉफिटेबल साइज ऑफ प्लांट एंड बेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स फॉर एनी गिवन आउटपुट। मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या होगा पता है, इसमें हम लोग नया नया प्लांट यूज करके ट्राई करेगा और देखेगा कि हमको बेस्ट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कब मिल रहा है। हम लोग मतलब छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करते जाएगा। देखो लॉन्ग रन है, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा ही या नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा छोटा छोटा प्लांट लगाते जाएगा, देखेगा कि हमको मोस्ट प्रॉफिटेबल किस जगह में मिल रहा है। समझना, अभी इसी को हम लोग को समझना है, ठीक है। ऊपर में आता है इसको समझना, देख रहे डायग्राम तो बड़ा भयानक लग रहा है, तुम लोग भयानक लग रहा होगा लेकिन डायग्राम उतना ही है, ठीक है। देखना समझना, देखना समझना, यहां पे पहले इस डायग्राम को डिफाइन करने से पहले हम लोग यहां पे चलते हैं, ठीक है। समझना मेरा बात, यहां पे तुम्हारा ये डायग्राम को ये वाई एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। यहां में तुम्हारा क्या है एवरेज कॉस्ट, क्या तुम्हारा एवरेज कॉस्ट है, क्या तुम्हारा एवरेज कॉस्ट, यह तुम्हारा क्या है एवरेज कॉस्ट है, और यह तुम्हारा क्या है आउटपुट है। यह तुम्हारा वाई एक्सिस है, तुम्हारा है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब समझना मेरा बात, इसको जानते हैं ये एस ए सी कर्व होता है, एस ए सी मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इसके बारे में तुम लोग पढ़ा हुआ है, शॉर्ट रन में पढ़ा था ना। ये देखो जब तुम एस
जब तुम शॉर्ट रन एवरेज कोर्स में था, तो मान लो यहाँ पे जब यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे बना देता तुमको, ठीक है, यहाँ पे एवरेज कोर्स देखो प्रोडक्शन मान लो यहाँ पे करेगा, तो क्या था यहाँ पे एवरेज कोर्स, क्या था ज्यादा था या नहीं था? स्टार्टिंग में एवरेज कोर्स क्या था तुम्हारा? ज्यादा था। तुम सोचा कि हम और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो तुम प्रोडक्शन बढ़ाए तो यहाँ पे आया, तो एवरेज कोर्स क्या हो गया तुम्हारा? कम हो गया, नहीं हो गया? तुम सोचा और प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है एवरेज कोर्स कमते जाता है, फिर प्रोडक्शन बढ़ाए तो एवरेज कोर्स कहाँ आ गया? एवरेज कोर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सोचो कि और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो एवरेज कोर्स क्या हो गया? बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? एवरेज कोर्स क्या हो गया तुम्हारा? बढ़ गया। तो तुम जब भी एवरेज कोर्स बढ़ाना, तो तुम कौन सा चीज में? लॉन्ग रन में। क्या तुम लॉन्ग रन, तुम क्या सोचा कि एक और हम लोग क्या करेगा, एक और क्या करेगा हम लोग, और हम लोग क्या करेगा, नया प्लांट लगाएगा, एक और नया प्लांट क्या करेगा हम लोग, लगाएगा। अब नया प्लांट लगाया तो जो जगह में देखो, इस पॉइंट में क्या होता था कि जब इस कर्व में था तो तुम्हारा क्या था, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये पहला वाला एसएससी कर्व था, शॉर्ट रन एवरेज कोर्स था, जहां पे इस यहां पे क्या था तुम्हारा, क्या था, कोर्स ज्यादा था या नहीं था? कोर्स क्या था? ज्यादा था, ठीक है। इस पॉइंट में जा था, इस पॉइंट में जा था जब हम लोग, तो इसमें क्या था तुम्हारा, जब यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा था तो मेरा क्या था, कोस्ट ज्यादा लग रहा था। जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाया तो हम लोग का कोस्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम गया, ठीक है। उसके बाद फिर सोचा कि और प्रोडक्शन करेगा, तो नेक्स्ट में किया तो कोस्ट हम लोग का यहाँ पे है ना, ये देखो ये ऐसे की एसएससी कर में यहाँ पे कोस्ट क्या है तुम्हारा, मिनिमम है या नहीं है? मिनिमम है, ठीक है। तुम सोचा कि अब और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्या करेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तुम जैसे नेक्स्ट प्रोडक्शन बढ़ाया तो तुम्हारा ये वाला देखा ना एसएससी कर, शॉर्ट रन एवरेज कोर्स, यहाँ पे तुम जैसे देखो ये शॉर्ट रन एवरेज कोर्स ही नहीं है, कलर पेन का कलर चेंज कर लेता। जैसे तुम मान लो कि यहां से किया यहाँ पे, ये शॉर्ट रन एवरेज कोर्स है तुम्हारा, तुम सोचा कि अब और प्रोडक्शन करेगा, तो जैसे प्रोडक्शन किया तो तुम्हारा इसमें देखो ये वाला कर देख रहा ना, पहला वाला कर, ये वाला कर, इसमें तुम किया तो यहाँ पे कोस्ट क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है? लेकिन तुम एक और नया प्लांट बैठाया, तो ये जब तुम नया प्लांट बैठाया तो इसमें कहां पे, यहाँ पे कोस्ट लग रहा है नहीं लग रहा है? ये कोस्ट देख रहा, तुम यहाँ पे कोस्ट क्या लग रहा है तुम्हारा, कम लग रहा है। यहाँ पे कोस्ट क्या लग रहा है तुम्हारा, इस वाले प्लांट में कोस्ट क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? इस वाले प्लांट में कोस्ट क्या लग रहा है तुम्हारा, कम लग रहा है। समझ में आ रहा है भाई? बोलने का मतलब है कि जब ये वाला एसएससी कर पे था तो इसमें तुम्हारा सेम लेवल पे, मतलब प्रोडक्शन तुम उतना ही कर रहा है, लेकिन इसमें कोस्ट ज्यादा लग रहा है। लेकिन तुम वहीं पे जब देखा कि ना इसमें कोस्ट तो ज्यादा आने लगा, ये प्लांट को छोड़ो, हम लोग एक और प्लांट बैठाता है, इस प्लांट में कोस्ट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। फिर और प्रोडक्शन करेगा तो क्या हो गया, तुम जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, कोस्ट क्या होता है, कमते जाता है, और फिर कोस्ट क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। क्योंकि लेबर उतना इफिशियंट काम नहीं करता। जैसे ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है, देखो जब मान लो कि तुम्हारा कंपनी छोटा होता है या तुम्हारा फैक्ट्री छोटा होता है, तो उस टाइम में क्या होता है तुम्हारा कि लोग अच्छा से काम करता है। जैसे जैसे हम लोग का प्लांट बढ़ते जाता है या कंपनीज या फैक्ट्रीज बढ़ते जाता है, तो काम लोग उतना अच्छा से नहीं करता है, साथ में साथ मैनेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए कोस्ट क्या होता है, ज्यादा आने लगता है। क्या होता है, कोस्ट ज्यादा आने लगता है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोग फिर से देखना, जब हम लोग यहां पे प्रोडक्शन कर रहा था कि इस एसएससी कर्व में था, शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट में था, तो हम लोग का कोस्ट ज्यादा था। जैसे सोचा कि और प्रोडक्शन करेगा तो हम लोग का कोस्ट यहां पे आता क्या हो गया, कम हो गया। फिर सोचा कि और प्रोडक्शन करेगा, तो जब इस एसएससी कर्व में और प्रोडक्शन किया था, इसका कोस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो सोचा अब नहीं करेगा, हम लोग क्या करेगा, एक नया प्लांट लेके आएगा। तो यहाँ पे कोस्ट इतना लग रहा था पहला वाला एसएससी कर्व में, लेकिन अब कितना लग रहा है, नया वाला एसएससी टू में क्या लग रहा है, कोस्ट कम लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो सोचा कि ये वाला छोड़ के किसमें जाए, इसमें जाए, हम लोग ये प्लान को छोड़ के किसमें चला गया, इसमें। क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोस्ट हम लोग को क्या आना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या आना चाहिए, कम। ज्यादा होने से बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। फिर जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा कोस्ट बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। समझ में आया भाई, नहीं आया, आया, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखना ये डायग्राम है, ये तुम्हारा एस ए सी वन है, फिर ये वाला तुम्हारा एस ए सी टू है, ये वाला तुम्हारा
एस ए सी तुम्हारा क्या है 3 है। इस प्रोडक्ट यहाँ पे तुम्हारा कोस्ट ज्यादा लग रहा था, फिर सोचा कि प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा ये दूसरा प्रोडक्शन और कोस्ट, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तुम्हारा कोस्ट क्या हो गया कम हो गया, तुम सोचा कि और प्रोडक्शन करेगा। जब तुम प्रोडक्शन करने किया इस वाले एस एस सी कर में, तो देखो तुम इस वाले एस एस सी कर में प्रोडक्शन करेगा तो तुम्हारा कोस्ट क्या होगा, यहाँ पे तो कम था ना, बढ़ना स्टार्ट होगा, क्या होगा तुम्हारा बढ़ना स्टार्ट होगा। तुम सोचा कि ना अब एस एस सी को छोड़ो, अब नया एक एस एस सी बनाता है, तो इस केस में यहाँ पे हमने क्या किया प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। जब इस एस एस सी कर में करेगा तो प्रोडक्शन यहाँ पे आगे नहीं आएगा तो दिक्कत है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हमने क्या किया प्लांटिंग को नया चेंज कर दिया। मतलब सिंपल सा बोलने का मतलब है कि लॉन्ग रन एवरेज को उसमें क्या होता है कि हम लोग नया नया प्लांट को ट्राई करता है, नया नया प्लांट ट्राई करता है और देखता है कि हमको जब सबसे ज्यादा किस प्लांट में प्रॉफिट मिलता है, वो हम लोगों का ऑप्टिमम आउटपुट या ऑप्टिमम पॉइंट होता है। बात समझ में है बात, ठीक है। जैसे कि देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और डिफाइन करके रखा हुआ है, देखो ये चीज को देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे देखा बहुत सारा कॉस्ट है, ये नहीं है, पहला है तुम्हारा एस एस सी 1, फिर यहाँ पे क्या तुम्हारा एस एस सी 2, फिर क्या तुम्हारा 3, 4, 5, 6 एंड 7। जब पूरा सब एस एस सी कर्व को क्या कर देगा, सबका टेंजेंट समझ रहे ना, इसको टच करते जा रहे सब एस एस सी कर्व को, मतलब सब शॉर्ट रन एवरेज कर्व को क्या करते हैं, ये जो लाइन बनाया हमने लॉन्ग रन एवरेज कर्व का, तो ये क्या कर रहा है सब एस एस सी कर्व को टच करते जा रहे, नहीं जा रहे सब एस एस सी कर्व का टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब टच करते जा रहा है। जब इसको सबको टच करते जाएगा 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 तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कर्व। मतलब पहले हमने प्लांट ये ट्राई किया, फिर प्लांट ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया और ये ट्राई किया, तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ता है हम लोग और एक्सपेरिमेंट करते जाता है और देखा सबसे प्रॉफिटेबल किस पॉइंट में है, इस वाले पॉइंट में। सबसे ज्यादा कॉस्ट कम कहां लग रहा है, यहां पर लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको बोलता हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया नहीं है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, देख रहे हैं खतरनाक डायग्राम है ना, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को देख रहे हैं, याद है तुमको, तुम लोगों को पढ़ा था शॉर्ट रन में, ये मान लो कि तुम्हारा क्या होता है एवरेज कॉस्ट होता है, अब मार्जिनल कॉस्ट इसको कट करके जाता ही नहीं जाता है, पढ़ाया था याद है ना, तो सेम यहां पे भी हुई है। जितना देखो देखना समझना, ठीक है, ये मान लो हम कलर दूसरा चेंज करके बता रहे हैं तुम लोगों को, देखो सबसे पहले तुम्हारा ये है देखना, हाँ ये तुम्हारा क्या तुम्हारा एस एस सी, एस एस सी 1, मतलब ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पहला वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है दूसरा वाला है, ठीक है, और ये कौन सा है तुम्हारा तीसरा वाला है, ये बात समझ में है बात। उसका बाद से ये वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है, फिर ये जो ये देख रहे हैं ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मालूम है ना, ये लोग जो भी शॉर्ट रन जितना भी शॉर्ट रन एसीसी कर्व होता है, जितना भी शॉर्ट रन एसीसी कर्व जैसे कि ये इस तरीके का, तो लॉन्ग रन ये लोग का टेंजेंट को टच करते जाता ही नहीं जाता है, बताया था ना अभी, तो ये क्या किया ये देखो ये जो एसएससी कर्व है ना तुम्हारा जितना भी, ये क्या करेगा तुम्हारा टच करते जाएगा शॉर्ट रन वाले को, ठीक है, शॉर्ट रन वाले को टच करते जा रहा है नहीं जा रहा है, देख रहा है ना शॉर्ट रन वाले को टच करते जा रहा है, ठीक है। जब तुम्हारा शॉर्ट रन एवरेज को उसको देख रहा नहीं, ये क्या किया मार्जिनल कोर्स इसको क्या किया टच किया काटा, जैसे कि डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा तुमको, एक मिनट जागा स्पेस, यहाँ पे समझा तुम, ठीक है, यहाँ पे बेटर में समझ में आएगा। Y एक्सिस ये कौन सा एक्सिस X एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा आउटपुट, यहाँ पे क्या होगा, हाँ फिर देखो समझना, ये तुम्हारा है एस ए सी 1, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है एस ए सी 2, समझ में बात, यहाँ पे क्या तुम्हारा एस एस सी 3, यह बात समझ में है। फिर उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज को कैसे बनता है, सबको टच करते जाता है नहीं जाता है, जाते नहीं जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या करता है इसको इससे मिडिल से कटता ही नहीं कटता है, याद है या नहीं है, एवरेज को उसको क्या करता है मिडिल से कटता ही कटता है, काट दिया, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, किसका मॉल बदला, बंद करो बंद करो फटाफट मॉल बंद करो, देखो तो फिर क्या होगा, ये तो तुम्हारा बन गया तुम्हारा कौन सा, ये हो गया तुम्हारा क्या, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया शॉर्ट शॉर्ट रन
मार्जिनल कोस, ये तो बन गया शॉर्ट रन मार्जिनल कोस बना, जो तुम्हारा ये कट करके किया ना तुम्हारा ग्रीन वाला देख रहे ना तुम लोग, ये तो समझाया अभी, ये ग्रीन वाला क्या करता है तुम्हारा कट करते जाता है तुम्हारा एसएससी कर को, ठीक है। उसका बाद तुम्हारा लॉन्ग रन मार्जिनल कोस कैसे बनता है ये देखो, क्या तुम्हारा लॉन्ग रन मार्जिनल कोस क्या होता है, तुम्हारा इसको टच करते 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 किया, ये तुम्हारा क्या बन गया, बन गया लॉन्ग रन मार्जिनल कोस। इस तरीके से तुम्हारा क्या बनता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस, ठीक है, समझ में आया बात। यहाँ पे इसी चीज को डिफाइन किया, फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो कैसे क्या करना है। सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, शॉर्ट रन वाला, ये तुम्हारा पहला शॉर्ट रन, ये तुम्हारा दूसरा शॉर्ट रन, ये तुम्हारा तीसरा शॉर्ट रन, पॉइंट नंबर वन। उसका बाद से नेक्स्ट क्या करना है तुमको, उसका बाद से ये करने के बाद हम लोग क्या बनाना है, शॉर्ट रन मार्जिनल कोस। तो शॉर्ट रन याद रखना, शॉर्ट रन मार्जिनल कोस हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कोस को उसका मिनिमम पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। तो ये मिनिमम पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे कट किया, और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पे कट किया, ये बात भी समझ में आया। उसका बाद से हम लोग को क्या क्या चाहिए, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस, क्या चाहिए हम लोगों को, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस। अब लॉन्ग रन मार्जिनल कोस कैसे निकलेगा, देखो ये जो लॉन्ग रन मार्जिनल कोस है ना, ये देख रहा है पॉइंट, ये क्या करेगा यहां से आएगा, ठीक है, यहां से जाएगा, सबसे पहले इसको क्या करेगा, इसका मिनिमम पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा, उसका पास ये क्या चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये लॉन्ग रन तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये लॉन्ग रन तुम्हारा मार्जिनल, सॉरी शॉर्ट रन मार्जिनल, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये साइन करते हुए जाएगा, ठीक है। हो गया तुम्हारा, ये था तुम्हारा क्या, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस, लॉन्ग रन मार्जिनल कोस पता है ना सबको, टच कर जाएगा इसका मिनिमम पॉइंट, और फिर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। साइन ऐसा साइन होता है ना, ऐसा होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कोस। चलो फिर नेक्स्ट देखो, फिर क्या रिलेशनशिप बिटवीन एलएसी एंड एलएमसी, क्या तुम्हारा लॉन्ग रन एवरेज कोस एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कोस में रिलेशनशिप बताना तुम लोगों को, क्या क्या चीज में, लॉन्ग रन एवरेज कोस एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कोस, ये तुम्हारा याद है अभी पढ़ा था ना, ये क्या तुम्हारा लॉन्ग रन एवरेज कोस को मार्जिनल कोस क्या करता है, उसका मिनिमम पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, किस पॉइंट पे कट करता है, मिनिमम। याद है जो साइन बना था, याद है वो जो साइन बना था, इसका नीचे वाला जो साइन बना था, याद ही है ये जो साइन बना था ना यहाँ से, इसको मिनिमम पॉइंट पे काटा, ये नहीं काटा था, ये लॉन्ग रन एवरेज कोस था, ये रेड वाला क्या था, लॉन्ग रन एवरेज कोस था, इस लॉन्ग रन एवरेज कोस को लॉन्ग रन मार्जिनल कोस का मिडिल में काटा था, मतलब हाँ मिनिमम पॉइंट पे काटा था। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जो लॉन्ग रन देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया लॉन्ग रन, ये तुम्हारा हो गया लॉन्ग रन मार्जिनल कोस, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा लॉन्ग रन एवरेज कोस। याद रखना लॉन्ग रन एवरेज कोस को लॉन्ग रन मार्जिनल कोस इसका मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें देखो, इन द अबव फिगर एलएसी रिप्रेजेंट द लॉन्ग रन एवरेज कोस एंड मार्जिन, एलएमसी रिप्रेजेंट द लॉन्ग, एलएसी रिप्रेजेंट द लॉन्ग रन एवरेज कोस एंड एलएमसी रिप्रेजेंट द लॉन्ग रन मार्जिनल कोस। एलएमसी कट्स एलएसी फ्रॉम द बिलो एंड इंटरसेक्ट एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी, मतलब जो एलएमसी होता है वो एलएसी का मिनिमम पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कर्व्स कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, देखो बोथ कर्व्स क्या है, यू शेप है, क्या है तुम्हारा, दोनों से कर्व क्या है तुम्हारा, यू शेप है, ठीक है। बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट बी, पॉइंट बी देखा है ना, पॉइंट बी पे दोनों कर्व क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, जहां पे एलएमसी और एलएसी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। बोथ कर्व डिक्लाइन एट बिगिनिंग, दोनों कर्व स्टार्टिंग में गिर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है तो स्टार्टिंग में दोनों कर्व क्या होता है, कोस्ट क्या होता है, गिरता है, फिर बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बड़ा होता है तो क्या होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल में होता नहीं है, उस टाइम में कोस्ट क्या होता, अपना बढ़ जाता है, ठीक है। बोथ कर्व डिक्लाइन एट बिगिनिंग रीच द मिनिमम पॉइंट एंड इंक्लाइन देयर आफ्टर, फिर ऊपर जाना स्टार्ट होता है। व्हेन द एलएसी इज फॉलिंग, जब एलएसी तुम्हारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जब देख रहा है ना तुम्हारा एलएसी है ना, जब एलएसी कौन सा है, ये वाला है ना, एलएसी फॉल हो रहा है, ठीक है। जब व्हेन एलएसी इज फॉलिंग, एलएमसी इज बिलो एलएसी, मतलब एलएमसी क्या हो गया, देखो जब एलएसी तुम्हारा गिर रहा है तो एलएमसी एलएसी का क्या है, बिलो है या नहीं है, हां। फिर नेक्स्ट, व्हेन एलएसी इज राइजिंग, जब एलएसी तुम्हारा बढ़ रहा है तो एलएमसी इज अबव द एलएसी, जब तुम्हारा एलएमसी बढ़ना स्टार्ट हुआ तो एलएसी से ऊपर क्या चला गया, एलएमसी चला गया या नहीं चला गया, ठीक है।
एलएमसी फोर्स एट ए शार्प रेट देन द एलएसी, ठीक है, मतलब एलएमसी ज्यादा स्पीड में गिर रहा है देन एलएसी, देख रहे ना एलएमसी, एलएसी एलएमसी देख रहे ना, सीधा सीधा शार्प रेट में बढ़ रहा है और गिर भी रहा है शार्प में, बढ़ भी रहा है शार्प में, लेकिन ये क्या में बढ़ रहा है स्मूथ में, क्या में बढ़ रहा है स्मूथ, ये शार्प में बढ़ भी रहा है और शार्प में गिर भी रहा है, ठीक है। देखो एलएमसी फोर्स एट शार्प रेट देन एलएसी एंड राइज शार्पली देन एलएसी, ठीक है, एलएमसी इंटरसेक्ट एलएसी एट एज इट एज इट्स लोएस्ट पॉइंट, समझ में आ बात कि जो एलएमसी है ना, जो एलएसी है ना, एलएमसी उसका लोएस्ट पॉइंट पे क्या करता है कट करता है, समझ में आ बात। ये था रिलेशनशिप बिटवीन एलएसी और एलएमसी। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, वाई एलएसी इज यू शेप, एलएसी तुम्हारा यू से भी क्यू होता है, इसका सिंपल सा रीजन है इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स, क्या तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब जब स्टार्टिंग स्टेज में प्रोडक्शन करने जाता हम लोग तो सब चीज हमारा फेवर में रहता है, नहीं रहता है, वर्कर अच्छा से काम करता है, मशीन अच्छा से काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में कॉस्ट क्या होता है गिरता है, फिर वो बढ़ता क्यों है डिस इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन या कंपनी बढ़ता है तो मैनेजमेंट कंट्रोल में नहीं रहता है, कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हमारा बिजनेस को अफेक्ट करने लगता है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर वगैरह चेंज हो जाता है जिसके कारण मेरा कॉस्ट ज्यादा लगने लगता है, इसलिए एलएसी क्या बनता है यूसेफ, क्या बनता है तुम्हारा एलएसी बनता है यूसेफ। देखो लिखा ना द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आर यूज कर्न द रीजन बिहाइंड देम बीइंग यूसेफ ड्यू टू द लो ऑफ रिटर्न टू स्केल, लो ऑफ रिटर्न टू स्केल भी पढ़ा था ना, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल फिर कॉन्स्टेंट फिर पढ़ा था, नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में क्या होता है डिमिनिशिंग होता है, फिर पहले इंक्रीजिंग होता है फिर कॉन्स्टेंट होता है फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, हाँ पढ़ा था ही नहीं पढ़ता, उसका कारण ऐसा होता है, और इसका और भी दूसरा रीजन है इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट इज दट इज द आर्ग्यू डेट द फर्म जनरली एक्सपीरियंस आईआरएस, आईआरएस मतलब क्या होता है तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, ड्यूरिंग दी इनिशियल पीरियड फॉर प्रोडक्शन फॉलोड बाय सीआरएस, सीआरएस मतलब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड लास्टली डीआरएस मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। कंसिक्वेंटली बोथ एलएसी एंड एलएमसी आर यू शेप कर्व, ड्यू टू आईआरएस द आउटपुट इंक्रीज, एलएसी फॉल्स ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बोला ना बिजनेस का सब फेवर में है, ठीक है, देन फॉलिंग एलएसी एक्सपीरियंस सीआरएस एट Q1 level output which also the optimum capacity beyond Q1 the level of output of the firm experience diseconomics of the scale and in the firm continues produce beyond the Q level and the cost of production will rises, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आज का क्लास हम लोग करते हैं यहाँ पे समाप्त, मिलते हैं हमारे नए क्लास में।